दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, पटना वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात, गंगा किनारे परिवार के साथ रेस्टोरेंट का लेंगे आनंद। पटना वासियों को क्रिसमस से पहले बड़ी सौगात मिलने वाली है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की ओर से राजधानी में संचालित कौटिल्य बिहार रेस्टोरेंट 2 साल से अधिक समय और NIT स्थित भागीरथ बिहार रेस्टोरेंट पिछले 4 साल से बंद पड़ा है। पर्यटन विभाग और निगम को इस कारण हर साल लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा, लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि NIT स्थित भागीरथ बिहार रेस्टोरेंट 4 साल बाद पर्यटकों के लिए 20 दिसंबर से खुल जाएगा। अलकर बिहार में मनरेगा के तहत 7.5 करोड़ हाथ को मिलेगा काम, केंद्र से मिल गई है स्वीकृति। केंद्र सरकार ने बिहार को मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.5 करोड़ और मानव दिवस के सृजन को स्वीकृति दे दी है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की इम्पावर्ड कमेटी की बैठक में बिहार की मांग पर विचार करते हुए इसकी मंजूरी दे दी गई। शीघ्र इस कमेटी की अनुशंसा पर मंत्रालय बिहार के लिए स्वीकृति का पत्र भी जारी कर देगा एवं इसके अनुरूप राशि आवंटन की प्रक्रिया भी की जाएगी, जिससे बिहार के 7.5 करोड़ मजदूरों को इसके तहत काम मिलेगा। अलकर बिहार में छपरा शराब कांड पर पुलिस बालों पर गिरी गाज, थानाध्यक्ष समेत कई चौकीदार सस्पेंड। बिहार के छपरा में हुए शराब कांड में पुलिस बालों पर गाज गिरी है। छपरा SP ने इसुआपुर थानाध्यक्ष संजय राम, चौकीदार हरि राय, दफादार कृष्णा सिंह के साथ ही मस्तक थाना के चौकीदार रामनाथ मांझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले मस्तक थानाध्यक्ष और एक और अन्य चौकीदार को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। कई अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की गतिविधि की भी जांच की जा रही है। बिहार के छपरा, सिवान और बेगूसराय में जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर राज्य में सियासी संग्राम जारी है। अलखर मुआवजे के सवाल पर फंसे नीतीश कुमार, BJP ने कहा कि गोपालगंज में लोग मरे थे तो उन्हें मुआवजा दिया गया था, लेकिन छपरा में क्यों नहीं दिया जा रहा। बिहार में जहरीली शराब कांड को लेकर नीतीश और BJP में जुबानी जंग जारी है। छपरा शराब कांड पर मुख्यमंत्री ने 2 टूक कह दिया है कि जो पिएगा वो मरेगा, मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं भाजपा ने कहा कि गोपालगंज में दिए तो छपरा में क्यों नहीं। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा कि दारू पीकर मरने वालों को हम मुआवजा देंगे, ऐसा कभी सोचिए भी मत। अलखर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि 1600 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने वाले विश्वविद्यालय के कुल सचिवों, फाइनेंस अफसरों और सरकारी कॉलेज के प्राचार्यों के आगामी सभी वेतन रोक दिए जाएंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र चुकाने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने यह आदेश प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिवों की बैठक में दिए और शिक्षा विभाग के स्वर्गीय मदन मोहन झा स्मृति सभागार में 4 घंटे से अधिक समय तक चली मैराथन बैठक में शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि लापरवाह अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलखर मगध यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं के आयोजन पर संकट, कंप्यूटर सेल में नहीं शुरू हुआ काम। गया जिला प्रशासन की दखल पर काफी जहोजत के बाद मगध विश्वविद्यालय के बंद पड़े कंप्यूटर सेल को तो खुलवा दिया गया, पर अब तक उसके खराब पड़े UPS को बदला नहीं जा पाया। इसके कारण कंप्यूटर सेल अब तक काम नहीं कर रहा। कंप्यूटर सेल के बंद रहने के कारण लंबित परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड भी तैयार नहीं किए जा रहे एवं परीक्षाओं का आयोजन भी नहीं हो पा रहा। कंप्यूटर सेल को चलाने वाली एजेंसी से जिला प्रशासन के सहयोग से पासवर्ड प्राप्त किया गया और यह तय हुआ था कि अब PG एवं वोकेशनल कोर्सों की लंबित परीक्षाओं का आयोजन कर लिया जाएगा एवं जल्द ही कंप्यूटर सेल को पूर्व की तरह चालू करा लिया जाएगा। लेकिन काम शुरू करते वक्त यह पता चला कि काफी दिनों तक बंद रहने के कारण कंप्यूटर के UPS खराब हो गए और अब नई UPS की खरीद के बाद ही काम हो पाएगा और इसके लिए करीब 80 से 90 हजार रुपए का खर्च आएगा। अलखर नीतीश कुमार के खिलाफ RJD को लेकर भड़के प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार ने जब अपने पुराने और लंबे समय तक सहयोगी रहे भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने बिहार में उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की कोशिश कर रही है। JDU नेताओं ने विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल से होने वाले नुकसान का जिक्र किया, लेकिन हाल में जब नीतीश कुमार ने गठबंधन के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक में 2025 के चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो सभी को चौंका दिया। हालांकि प्रशांत किशोर ने कहा कि 2025 का इंतजार तेजस्वी क्यों करेंगे, उन्हें अभी ही CM बनाया जाए। अलखर बिहार में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप, हत्या कर खेत में दफना दिया। 3 दिन से लापता थी बगहा में छठवीं में पढ़ने वाले 13 साल की बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए शव को 7 फीट लंबे और 4 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया। बच्ची 15 दिसंबर से घर से लापता थी। सुबह परिजन और ग्रामीणों ने लड़की को ढूंढते ढूंढते नदी के पार पहुंचे तो दंग रह गए। नदी के पास जमीन ताजी खुदी हुई थी, उसके ऊपर पेड़ के कांटे रखे थे। शक होने पर ग्रामीणों ने जमीन की खुदाई की तो बच्ची की लाश बरामद हुई। गड्ढे के पास ही बच्ची की स्कूल यूनिफॉर्म पड़ी थी। गन्ने के खेत से बच्ची की चप्पल भी मिली। अलखर BJP सांसद सुशील कुमार मोदी ने जीतन राम मांझी को कहा कि एक पाव पीने में कोई बुराई नहीं, कहने वाले अब चुप क्यों हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से जिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है उनमें अधिकतर दलित, आदिवासी, गरीब और पिछड़े समाज के लोग ही हैं। इसके बाद भी जीतन राम मांझी के जवान में क्या हो गया है, उन्हें चुप रहने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बोलना चाहिए।
और उन्होंने ही कहा था कि एक पाव पीने में कोई बुराई नहीं है। सुशील मोदी ने कहा कि जितना मांझी शराबबंदी के विरुद्ध रोज बयान देते थे और कहते थे कि पाव भर शराब पीने में कोई बुराई नहीं, कुछ जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को सांत्वना देने क्यों नहीं गए। अलको चिराग पासवान ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कहा कि बिहार में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार को घेर रहा है। इसी मुद्दे पर लोजपा के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने राज्यपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और कहा कि यहां की यथास्थिति बेहद खराब है। राज्यपाल भवन से बाहर निकलते मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि मौतों के आंकड़ों पर पर्दा डाला जा रहा, शराब पीने से सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई है। नीतीश कुमार के पास अगर थोड़ी सी सहानुभूति नहीं बची है, उन्हें वहां जाकर वो तस्वीर देखने की जरूरत है। अलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 11 वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई। बिहार समेत देशभर की नदियों को गाद से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार शीघ्र ही राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति लाने जा रही है और कोलकाता में देश के गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा की सदस्यता वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में केंद्र ने यह भरोसा दिया। बिहार के द्वारा इस बड़ी समस्या को उठाए जाने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सचिव ने बताया कि गाद प्रबंधन नीति शीघ्र ही लागू कर दी जाएगी। अलीगढ़ बिहार में उद्घाटन से पहले टूटकर धराशायी हो गया बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल। बिहार में बीती रात एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बेगूसराय जिला के साहेबपुर और कमाल प्रखंड क्षेत्र में कीर्ति टोल आयोग घाट और विष्णुपुर आहोक पंचायत के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर मुख्यमंत्री नाबार्ड योजना के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा नवनिर्मित उच्च स्तरीय RCC पुल उद्घाटन से पहले ही देर रात टूटकर धराशायी हो गया। रात के समय हादसा होने से जानमाल की क्षति नहीं हुई, लेकिन निर्माण के 3 वर्षों के अंदर ही पुल के टूटकर गिर जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अलकर बिहार में युवाओं के लिए खुशखबरी, स्वास्थ्य विभाग में अगले 6 माह में निकलेगी 70,000 बहाली। बिहार में नौकरी की चाहत रखने वाले युवक युवतियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस मसले पर जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में बेहतरी और सुविधा में बढ़ोतरी के लिए नए स्वास्थ्य कर्मी की बहाली शुरू कर दी जाएगी। उसको लेकर बहाली के लिए अगले 6 माह का समय सीमा तय किया गया है। अलकर बिहार हेड टीचर से भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई, हाईकोर्ट ने लगा दी रोक। 40,506 पदों पर वैकेंसी निकली थी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से हेड टीचर के पद पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी हुई थी। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर 2022 को होना था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई। BPSC की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा स्थगन की जानकारी दी गई है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार बोर्ड हेड टीचर्स परीक्षा 22 दिसंबर 2022 को नहीं होगी। हालांकि परीक्षा की नई तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकली इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 मार्च 2022 को शुरू हुई थी। अलकर भागलपुर में गोली चलाने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल के बेटे की तलाश जारी, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। भागलपुर के बरारी में जमीन कब्जा करने, फायरिंग और मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस टीम ने गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष के सहयोगी धनंजय यादव और दिलीप मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। दोनों के बरारी स्थित घर की घेराबंदी कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची है। दोनों वहां से नहीं मिले हैं। आसपास के कुछ लोगों के मुताबिक घटना के बाद दोनों एक बार से घर आए थे, इसके बाद वो नहीं दिखे। पुलिस को सूचना मिली थी कि दिलीप मंडल नवगछिया स्थित छोटी पर्वत्ता में अपने एक रिश्तेदार के घर छिपा हुआ है। अलकर बिहार में 6 से 7 मार्च को होगी G20 की बैठक। गया, राजगीर और नालंदा में जुटेंगे G20 के डेलीगेट्स, तैयारी हुई शुरू। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा और इस G20 को लेकर भारत में 200 अलग अलग बैठकें होगी। इन बैठकों में बिहार में भी बैठकें आयोजित की गई है। G20 को लेकर बिहार सरकार तैयारी कर रही है। बिहार के गया, राजगीर और नालंदा में यह बैठक 6 मार्च और 7 मार्च 2023 को आयोजित की जाएगी, जिसमें G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कला संस्कृति विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेसी इसकी नोडल अधिकारी बनाई गई है। अलकर बेगूसराय में 21 दिसंबर को लगेगा रोजगार मेला। 25 निजी कंपनियां लेगी भाग। बेगूसराय में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। इसके लिए ITI मैदान पन्हास में 21 दिसंबर को दिन के 10 से 4 बजे तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधार में जिला नियोजनालय बेगूसराय के द्वारा आयोजित किया जाएगा।